हेलो दोस्तों, मैं आज 12 वोल्ट की बैटरी की रिपेयरिंग करना बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल अरशद खान इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए। मैं इसको पहले मल्टीमीटर से आपको चेक कर दिखाता हूँ इसमें कितना वोल्ट जा रहा है। देखे दोस्तों, इसमें 2 वोल्टेज आ रहा है और ये चार्ज नहीं हो रही है। जितनी भी देर लगा दो ये चार्ज नहीं होती है। मैं इसमें इसको पहले खोल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसको खोल लिया है और इसको भी निकाल लेता हूँ मैं। और इसमें कैप खोल कर मैं तेजाब डाल देता हूँ और कैप खोल लिया और इसमें फ्री जिससे मैं तेजाब डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें तेजाब डाल लिया हो और मैं डाल दिया हूँ। मैं इसको कैप बंद कर देता हूँ। मैं 6 कैप बंद कर देता हूँ और इसको भी लगाकर इसको भी बंद कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इसको बंद कर लिया हूँ और मैं इसको चार्जिंग के लिए लगा देता हूँ चार्जर से। देखिए दोस्तों, मैंने 5 वोल्ट चार्जर को लगा देता हूँ 2 घंटा के लिए। मैं इसको बांध देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसको बांध दिया। 2 घंटे के लिए लग रहा नहीं देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इसको 5 मिनट के लगा देता हूँ सोलर पैनल से। मैं सोलर पैनल का वोल्टेज नाप कर आपका दिखाता हूँ कितना वोल्टेज आ रहा है इसमें। इसमें ये देखिए 10 वोल्टेज के करीब आ रहा है। और मैं इसको 5 मिनट के लिए लगा देता हूँ। मैं रेड को रेड में ही जोड़ देता हूँ और ब्लैक को ब्लैक में ही जोड़ देता हूँ। इसको मैंने जोड़ दिया हूँ और इसको मैं 5 मिनट लाग रहे देने देता हूँ। तो मैं इसको मैं 5 मिनट हो गए थे इसलिए मैंने इसको निकाल दिया मल्टीमीटर से। इसका वोल्टेज नाप कर आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें 8 वोल्टेज के करीब आ रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अरशद खान इलेक्ट्रो एक्सपेरिमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।